बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म 102 नॉट आउट के साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वे कुछ खास करते देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमिताभ अपनी शानदार अदाकारी के साथ साथ अपनी आवाज के लिए भी काफी फेमस हैं। वह कई फिल्मों के गानों में अपनी आवाज का जादू चला चुके हैं। वहीं अमिताभ सफल एक्टर और सिंगर बनने के बाद एक नई चीज करते हुए दिखाई देंगे। जी हां, अमिताभ सिंह के बाद रैप करते हुए दिखाई देंगे। बिग बी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे गाना गाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उनकी अपकमिंग फिल्म 102 नॉट आउट से जुड़ा हुआ है। अमिताभ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुबह 3:30 बजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ 102 नॉट आउट के नए गाने के लिए। इस वीडियो में वे अपनी बेहतरीन आवाज में गानों की लाइन को गा रहे हैं। उनकी एनर्जी देखने लायक है। इस गाने को सुन उनकी फिल्म अमिताभ के गाने पे ग्ली की याद आती है। उस गाने को भी अमिताभ ने कुछ इसी अंदाज में गाया था। साल 2018 की सबसे विवादित फिल्म पद्मावत रिलीज होने के बाद ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सैयद लीला भंसाली की फिल्म अब कमाई करने से रुक नहीं रही है। फिल्म लगातार 3 हफ्तों से अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म अब भी सिनेमा के बड़े पर्दे से हटने का नाम नहीं ले रही है और पद्मावत ने अपने 4वें हफ्ते में प्रवेश किया है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अब तक 281 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। आगे भी इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी रहने की उम्मीद जगाई जा रही है। फिल्म पद्मावत देश की 7वीं बड़ी फिल्म भी बन गई है। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी अपनी जगह बना लेंगी।